हाजिर हैं एक और नई रेसिपी के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पुलाव। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चे और बड़ों सबको बहुत पसंद आते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया एक बड़े साइज़ का प्याज, इसको हम कर रहे हैं लाइट ब्राउन। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, इस स्टेज पर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपना चिकन। हड्डी वाला गोश्त मैंने लिया है, हमेशा पुलाव बनाने के लिए आप हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करें, उससे आपका पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनता है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपना चिकन। चिकन को शामिल करके हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पकने देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है। जैसे ही हमारा तमाम चिकन अच्छे तरीके से वाइट हो जाएगा, हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपने कटे हुए टमाटर जो मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद साबुत सब्ज़ मिर्च। जी तो जैसा कि आप देख रहे हैं व्यूअर्स कि हमारा चिकन बिल्कुल अच्छे तरीके से वाइट हो चुका है, इस स्टेज पर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपने कटे हुए 2 अदद छोटे साइज़ के टमाटर और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनको हमने दरमियान से कट लगा दिया है। टमाटर और सब्ज़ मिर्ची शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से ऊपर से ढक देंगे और लो फ्लेम के ऊपर इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकने देंगे। इस स्टेज पर हमारे टमाटर भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे और चिकन भी नरम हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें मसाला जार शामिल करेंगे। ढकने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के बाद चम्मच हिला के देखना ज़रूर है, ये ना हो आपका मसाला नीचे से जलने का खतरा हो सकता है। अब हम इसको ढकते हैं और 7 से 8 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख देते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए, तकरीबन टमाटर इसके अंदर गल चुके हैं, बाकी कसर इंशाल्लाह थोड़ा सा और जब भुनेंगे तो निकल जाएगी। अब हम इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं 2 से 3 अदद टुकड़े दालचीनी के। दालचीनी के बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं, आप ज़रूर इनको अपने खानों में इस्तेमाल किया करें। दालचीनी का कावा भी बहुत ज़बरदस्त होता है, अक्सर लोग तो दालचीनी की चाय भी बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनती है। दालचीनी के चंद टुकड़े शामिल करने के बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं कड़ी पत्ता, 1 अदद बादियान का फूल और 2 अदद मोटी इलायची, जो काली बड़ी इलायची होती है वो हम इस पर शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा साबुत गरम मसाला जिसमें शामिल है ज़ीरा, चंद लौंग के दाने और काली मिर्च के दाने। ये तमाम वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको डालने से आपके पुलाव का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इनको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद इसके अंदर अपने तमाम स्पाइसेस को शामिल करेंगे। 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरह मिक्स लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं पिसा हुआ सूखा धनिया। 1 टीस्पून के बराबर सूखा धनिया पिसा हुआ हमने शामिल किया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक हंसते जायका। नमक को आप थोड़ा सा कम ही शामिल करें, नमक हम बाकी जब दम लगाने लगते हैं उस टाइम पे भी बीच में ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो फिर इसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी और सूख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम हल्दी और 1 टीस्पून के बराबर हमने इसमें डाला है रेड चिली पाउडर। इसमें हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि पुलाव हमेशा लाइट ही अच्छा लगता है, उसमें मसाले थोड़े कम ही होने चाहिए। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 2 से 4 मिनट के अच्छी तरह से भुनेंगे। जब हमारा चिकन अपना कलर चेंज कर लेगा, मसाला भुन जाएगा, फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपना पानी चावलों के मुताबिक से। जिस तरह के चिकन पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनता है, इसी तरह यखनी पुलाव भी बहुत ज़बरदस्त बनता है, उसकी रेसिपी इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर आप यखनी पुलाव बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल कुकिंग विद मिनाल से बहुत ईजीली मिल जाएगी, ज़रूर सर्च करके देखें। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छी तरह रोस्ट करेंगे, इसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे, जितने चावल उससे दुगना पानी हम इसमें शामिल कर देंगे। जी तो व्यूअर्स देखिए ऑयल बिल्कुल अच्छे तरीके से अलहदा हो गया है, चिकन बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। इस स्टेज पर अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे और उसके बाद पानी में बॉयल आने के बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। बहुत इजी और क्विक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी तो यहाँ पे व्यूअर्स हमने चिकन को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद अपने पैन के अंदर डाल दिया है पानी। तकरीबन मैंने यहाँ पे लिया है पानी 5 ग्लास और चावल मैं ले रही हूँ 2.5 ग्लास, यानी कि दुगना पानी। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे पानी के बॉयल आने तक, जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा हम अपने राइस इसमें धो के शामिल कर देंगे।
पानी में बॉयल आने के बाद हमने अपने चावल इसमें शामिल कर दिए हैं। इसके बाद हम इसको लगा देंगे दम एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद 15 मिनट बाद अपना दम खोलेंगे और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत जल्द किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें और इसकी फ़ाइनल लुक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।